दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। लॉकडाउन के दौरान जैसे सरकार सबको आर्थिक सहयोग दे रही है, आर्थिक सहायता दे रही है, तो मैं सरकार का ध्यान संगीत कलाकारों की तरफ से दिलाना चाहता हूँ। संगीत से जुड़े हुए गायक कलाकार, गायिका और वाद्य यंत्र बजाने वाले, ऑर्गन बजाने वाले, ढोलक बजाने वाले तो कई तो संपन्न हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनका पूरा परिवार का गुजारा ही इसी बात पे चलता है। रात को प्रोग्राम बजा के आते हैं और पूरे परिवार को पालते हैं। और जैसे हमारे सिंधियों में झूलेलाल के बहराने होते हैं और माता का जागरण होता है, या कई संतों महात्माओं की वर्षी इन मौक़ों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम देते हैं और उसी से उन परिवारों का गुजारा चलता है। अभी लगातार 2 महीने से लॉकडाउन होने से उनके पास जो बची पूंजी वो भी खर्च हो गई है। अब उनके सामने एक आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है और नेचुरली है जो लिए हुए प्रोग्राम, बुक किए हुए प्रोग्राम लॉकडाउन के दौरान वो भी कैंसिल हो गए और अब उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि 2-4 महीने तक उनको वापस प्रोग्राम आएंगे या उनका वापस बिजनेस चलने लगेगा, ये भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं जिस तरह अन्य वर्गों को सहायता देके, अनुदान देके उनकी हेल्प कर रही है, उसी तरह इन कलाकारों को भी जीने का एक सहारा उत्पन्न करें। आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, कई कलाकार ऐसे हैं बेचारे मजबूरी में, अच्छे अच्छे कलाकार जिनको सुनने के लिए लोग लालायत रहते थे, सब्जी के ठेले लगा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने ज़िंदगी भर गाया और बजाया है उनके लिए कोई दूसरा बिजनेस करना भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन उनके दर्द को मैं चाहता हूं कि सरकार ध्यान देवे उनकी तरफ और उनके दर्द को महसूस करे कि वो किस तरह से गुजारा करते हैं। और ये जो संगीत कलाकार हैं लॉकडाउन का भी प्रचार कर रहे हैं, सरकार की जो है उनका भी ये लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए भी सिफारिश करते हैं। और ऐसे कलाकारों के लिए सरकार को चाहिए कि कुछ न कुछ सोचे और इनके बारे में। धन्यवाद। मैं मंगाराम भिरयानी, अध्यक्ष सिंधु ज्योति सेवा समिति।